हेलो गाइज, आपका हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आपके भी इंस्टाग्राम रील्स में ये ऑप्शन आ रहे हैं, जब रील्स को बैक करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे जब अपने अकाउंट को लॉग आउट करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे बता रहा है कि लॉग आउट विल डिलीट योर ड्राफ्ट प्रोजेक्ट इन रील्स। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो ये प्रॉब्लम दरअसल क्यों आती है, जब आप अपने लॉग आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दो मेथड हैं, वो करने हैं ट्राई, उससे हमारी ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि जो रील वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो अगर हमने अपने अकाउंट को लॉग आउट कर दिया उसके बाद हम अपने रिस्टोर करना चाहते हैं, तो क्या करना है, हमें रील वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ड्राफ्ट होंगे, तो टैप करना है और यहाँ पे सारी जो हमारी पिछली सेव्ड रील्स होंगी वो मिल जाएंगी हमें। तो ऐसे आप अपनी रील्स को रिस्टोर कर सकते हो, क्योंकि कुछ दिन होते हैं, जैसे 28 दिन होते हैं, 28 दिन के अंदर आप रिस्टोर कर सकते हो, 28 दिन बाद आपकी जो रील्स हैं वो रिस्टोर नहीं होंगी। तो ये पहला मेथड है, अगर पहला मेथड वर्क ना करे तो आपको क्या कर लेना है, आपको यहाँ से बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी जिससे हमारी ये प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। तो हमें जाना अपने डिवाइस के प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर आने के बाद हमें यहाँ पर सर्च करना है प्ले स्टोर में। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं प्ले स्टोर में इंस्टाग्राम को। तो इंस्टाग्राम को सर्च करने के बाद यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, अगर अपडेट का ऑप्शन आएगा तो अपडेट कर लीजिएगा इंस्टाग्राम को। अगर बाय चांस अपडेट का ऑप्शन नहीं आया तो एक बार अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना, तो जो प्रॉब्लम है हमारी वो सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए।